और हम बना रहे हैं आज ब्लॉन्डी। मक्खन को हमेशा फ्रिज में से निकाल के रखते हैं, डू नॉट मेल्ट द बटर, ठीक है? बेकिंग के लिए अगर लिखा हो मेल्टेड बटर तो, अदरवाइज आप ऐसे ही इसको रखिए। फ्रिज में से निकाल के मैं तो रख देती हूँ। पिसी हुई चीनी, ब्लॉन्डीज आप टी टाइम पे सर्व कर सकते हैं। ब्राउन शुगर डालिएगा थोड़ी थोड़ी करके। अंडे हैं 2 अदद, अच्छी तरह मिक्स करिएगा। नाउ कम्स ऑल द ड्राई चीज़ें, सो सारे ड्राई अज्जा एक में ही डाल देते हैं। मैदा है, ये कस्टर्ड पाउडर है, वेनिला कस्टर्ड पाउडर है, नमक है और बेकिंग पाउडर है, ठीक है? ये बेकिंग पाउडर और ये थोड़ा सा नमक और वेनिला एसेंस, ये है मेरा वेनिला बीन एसेंस। सो ये स्ट्रॉन्ग होता है, कम डालिएगा। एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। मैदा, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड पाउडर और सॉल्ट, और फिर हम इसको डिश में रख देंगे। डिश में रखने के बाद फिर ऊपर से ये वाइट चॉकलेट चॉप जो है वो जाएगी, और ये बिस्किट के, बिस्किट को मुझे चॉप करना है, ठीक है? ऐसे साबुत नहीं डालेंगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बिस्किट ब्लॉन्डीज। आप ज़रूर बनाइएगा रेसिपी, ट्राई करिएगा, फीडबैक हमें दीजिएगा। सो मैं ले आऊँ वो जिस डिश में आपने इसको बेक करना है, उसको करेंगे हम ग्रीस विथ शाताश कुकिंग ऑयल। खाने पकाने के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए। शाताश ज़रा सा और, ठीक है? पहले ज़रा स्पैचुला से ताकि उड़े ना हर जगह, फिर इसको निकालेंगे डिश में, उसके बाद ऊपर से चॉकलेट और वो भी वाइट चॉकलेट। ब्लॉन्डी में कुछ भी डार्क चॉकलेट का नहीं डलता है। ओके, कभी कभार आप थोड़ा सा वेरिएशन देने के लिए चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, चाहें तो वो भी वाइट वाले डाल दें। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, हमसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं खानों के हवाले से, रेसिपीज़ के हवाले से, हमारे शो के हवाले से, ये अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स करके फिर हल्का सा बीटर चलाइएगा। अगर आपके पास बटर स्कॉच वाले, कैरमल फ्लेवर वाले चॉकलेट चिप्स हों जो मिलते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। मेक श्योर नीचे से अच्छी तरह हर चीज़ मिक्स हो जाए। अब मैं इसको निकालूंगी
डिश में और फिर चॉकलेट ऊपर से स्प्रिंकल, बिस्किट्स ऊपर से चॉप एंड देन पुट टू बेक। बहुत आसान रेसिपी है, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। पिछले हफ्ते की कोई भी रेसिपी अगर आपने ट्राई की हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी, आपने उसमें कोई चेंजेस किए, आपने अपना कुछ ऐड किया, अपना कोई ट्विस्ट दिया, ऐसे हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। इट विल बी नाइस टू हियर फ्रॉम यू। और फिर ये भी कि हमारे दूसरे फैंस और व्यूअर्स जो हैं वो भी इस तरह ट्राई करेंगे ना चीज़ें। फिर ब्राउन शुगर है असल इसका कलर जो आता है, और ब्राउन शुगर अच्छी सी इस्तेमाल करिएगा, यहाँ मिलती है। ब्राउन शुगर की जगह गुड़ नहीं डाल दीजिएगा, जहाँ गुड़ होता है तब, मैं कहती हूँ आप लोगों को, तब गुड़, ठीक है। ब्राउन शुगर मिल जाती है मार्केट में, हमारी लोकल बहुत अच्छी ब्राउन शुगर है। ये मैं करती हूँ, थोड़ा सा टीडियस लगता है बट इट हैज़ टू बी कम आउट, बिकॉज ये इतना सारा ज़ाया मैं नहीं कर सकती, मैं सिंक में ऐसे नहीं रख सकती। सो अच्छा ऐसे है कि अच्छा है, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, सो व्हाट आई डू इज़ मैं इसको यहाँ निकाल के रखूँगी, बिस्किट्स को चॉप करके रेडी करके रखूँगी, और फिर आपके सामने हम बिस्किट्स चेक डिश में, मैंने ब्लॉन्डीज़ का मिक्सचर निकाल दिया है। नाउ यू हैव टू स्प्रिंकल वाइट चॉकलेट ऑन इट, ठीक है। तो वाइट चॉकलेट आप स्प्रिंकल कर दीजिए इस तरह। उसके बाद आप ये कुकीज़ लीजिए जो मैंने हाफ कट कर दी हैं, आप इस तरह इसको अंदर प्रेस इन करिए थोड़ी, ठीक है। ट्रायंगल से मैंने काट लिया था, सो दैट इट लुक्स नाइस एंड डिसेंट, सब पीसेस में एक एक ट्रायंगल आ जाए। आप चॉप करके बिस्किट्स को अंदर भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी और वाइट चॉकलेट, और ये जब पिघलेगी और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाएगी तब आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है जी। इसको मैं रख देती हूँ ओवन में अब बेक होने के लिए। बिस्किट ब्लॉन्डीज, चलिए एक बार फिर रीकैप करें।